नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बस। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के जो अभी हाल में फर्स्ट फेज की एग्जाम हुए उनके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि तीन जोन का रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम संपन्न हो गया 17 से लेकर 25 तारीख तक, ठीक है। तो इसके कट ऑफ को हमने एक तैयार किया है विश्लेषण के माध्यम से कि क्या क्या इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि तीन जोन का रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, जिसमें पहला जोन है आरआरबी पटना, फिर आरआरबी सिकंदराबाद, मतलब यहाँ देख सकते हैं पटना, सिकंदराबाद और गुजरात, मतलब जिसको अहमदाबाद आप लोग बोलते हैं, वेस्टर्न रीजन। अब इन तीनों जोन में नंबर ऑफ फॉर्म का जो अप्लीकेशन का जो संख्या था वो बहुत ज्यादा था, ठीक है। यहाँ कैंडिडेट भी ज्यादा थे, तो हमने काफी कुछ यहाँ पे देखा कि कट ऑफ क्या जा सकता है। अटेंडेंस को ध्यान में रखा है, लेवल ऑफ क्वेश्चन को ध्यान में रखा है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या जा रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन कितना होगा इस बार, और कितने दिन तक एग्जाम चला। तो ये इसके बारे में बात करें तो यहाँ तो सब में 8-8 दिन हो जाएगा, 8 दिन लगभग एग्जाम चला है सभी जगह। 8 दिन भी नहीं चला जिसमें से 2 दिन छुट्टी था, तो मान लीजिए कि 6 दिन एग्जाम चला, ठीक है। 6 दिन एग्जाम चला आपका लगभग, ठीक है ना, 6 या 7 दिन एग्जाम चला होगा, जो भी चला 2 दिन छुट्टी था उसमें। अब यहाँ देखिए अटेंडेंस क्या रहा है, ठीक है ना। तो अटेंडेंस आप देख सकते हैं कि अटेंडेंस अगर हम बात करें कि झारखंड बिहार में जो एग्जाम हुए या इलाहाबाद में एग्जाम हुए, वहां पे आपको अटेंडेंस 50% से ज्यादा देखने को मिलेंगे, जो कि अदर यूट्यूब चैनल ने भी बताया आपको। बट यहाँ पे अगर ओवरऑल पूरे भारत के बारे में बात करें तो साउथ में काफी कम बच्चों ने एग्जाम दिया, या बहुत से जगह आपने सुना होगा कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट थे एक एक एग्जाम में, मतलब एग्जाम रूम में, वो लगभग 10-15-20 ऐसे थे, बहुत कम बच्चे थे। तो मैं मान लेता हूँ कि 50% से ज्यादा अटेंडेंस बिल्कुल नहीं होगा सभी जगह। क्या होगा, 50% से ज्यादा अटेंडेंस बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि तीनों रीजन का जो कट ऑफ होगा वो सेम जाएगा, अलग अलग कट ऑफ जाएगा, किसी रीजन का हाई जाएगा, किसी रीजन का लो जाएगा, किसी रीजन का मीडियम जाएगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन लेवल। तो क्वेश्चन लेवल दोस्तों तीनों रीजन का क्या था, अलग था, मतलब सेम था। और सब में कहाँ था, बैंक का क्वेश्चन था, कुछ है कुछ एसएससी का क्वेश्चन भी दे दिया गया था, ठीक है। और रेलवे का जो क्वेश्चन होता है वो मिक्स किया गया था, रेलवे एसएससी बैंकिंग तीनों लेवल को मिक्स किया गया था। मान लीजिए कि यहाँ पे रेलवे ही लिख देता हूँ मैं, आरआरबी का जो रेलवे का क्वेश्चन है उस लेवल का भी क्वेश्चन था। तो बैंक और आरआरबी को मिक्स करके इस बार क्वेश्चन बनाया गया तीनों जगह, ठीक है, तीनों जगह बैंक और आरआरबी को मिक्स करके बनाया गया। अब बहुत सारे कैंडिडेट जो केवल रेलवे की तैयारी करते हैं, उन्होंने क्या किया, बैंकिंग में जो सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, जो कोडिंग डिकोडिंग आते हैं उनको नहीं देखा, वो केवल रेलवे के हिसाब से चल रहे थे, जो मॉक टेस्ट जो रेलवे के प्रीवियस ईयर आधारित थे उनको केवल सॉल्व कर रहे थे। बट उनके साथ यहाँ तो धोखा हो गया, क्योंकि बैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आ गया और जिन्होंने बैंक का तैयारी किया था साथ में रेलवे का तैयारी किया था उन्होंने आसानी से बना लिया, क्योंकि उनको सरप्राइज कुछ भी नहीं लगा। और जो टाइम लग रहा था दोस्तों क्वेश्चन में वो मॉडरेट से, मैं बोल सकता हूँ मॉडरेट सा हाई लेवल का क्वेश्चन इसे बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन सेट था बिल्कुल नया था और क्वेश्चन का जो लेवल था वो कॉन्सेप्चुअल था, मतलब कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर है तभी आप अच्छा अटेम्प्ट कर सकते थे। साइंस में जो क्वेश्चन पूछा गया था कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन को आसान नहीं बोल सकते हैं। जो टाइम लिया जा रहा था बच्चों के द्वारा औसतन, तो टाइम भी अच्छा खासा 90 मिनट भी कम पड़ जा रहा था, ठीक है, 90 मिनट भी कम हो जा रहा था, जिसके कारण नंबर ऑफ अटेम्प्ट इस बार काफी कम सुनने को मिला। अगर मान लीजिए 100 बच्चों ने अगर अपना अटेम्प्ट बताया तो उसमें से 5 या 6 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 90+ बोला होगा, और औसतन नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप 70 मान लीजिए, 70 से ज्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं है, ठीक है, 70 से ज्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं है। अब क्या होता है कि एक्यूरेसी का सवाल आता है, तो मान लीजिए जो बच्चा 90 बनाया है, तो जो बच्चा 90 बनाया है उसका मान लीजिए कि औसतन 18 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाएगा, क्योंकि इस बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। और जो बच्चा बोलता है कि हम 70 बनाए हैं बट एक्यूरेसी के साथ बनाए हैं, तो उनका भी मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन कहीं ना कहीं से तो गलत हो ही जाएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन गलत होने ही है, क्योंकि 100% एक्यूरेसी किसी का भी नहीं होता है, ठीक है ना कहीं आपने गेस किया होगा कि ऐसा हो सकता है, इसको हमने पढ़ा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो औसतन मान लीजिए कि 4 ही क्वेश्चन गलत होते हैं, तो 70 में से 4 जाता है तो कितना होता है, 66, मतलब 65 के आसपास उस बच्चे का क्या होगा, स्कोर आएगा। तो एवरेज स्कोर मैंने मान लिया जो अच्छे बच्चे हैं उनका 65 के आसपास होगा, क्योंकि उन्होंने एक्यूरेसी को मेंटेन किया। हो सकता है कुछ बच्चे लेके आ जाए 72,
ठीक है 72, 73, 80 भी लेके आ सकते हैं, पर वो कुछ है यूनिक बच्चे होंगे, ठीक है ना, जो 80 तक जाएंगे, बट इस लेवल में 80 तक जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी अगर आप देखें तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है। नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 लाख है, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 लाख है, तो वैकेंसी भी काफी अच्छा है। और कुछ बच्चे 35,000 बच्चे चले जाएंगे एनटीपीसी में, 35,000 बच्चे चले जाएंगे एनटीपीसी में, रेलवे एनटीपीसी में चले जाएंगे। कुछ बच्चों का एमडीएस में हो गया होगा, कुछ बच्चों का कहीं और ज्वाइनिंग हो गया होगा, काफी कुछ फैक्टर है। एएलपी में भी इसके बच्चे कुछ चले गए होंगे, कुछ बच्चे ग्रुप डी ही के बच्चे हैं और ग्रुप डी में अपने जोन बदलने के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो ये भी फैक्टर है। तो वो जो बच्चे होते हैं वो उतना ज्यादा तैयारी करके नहीं आते हैं, मतलब जो जिनका पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 3 साल में, जो 3 साल है ना वो भी बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर है कि 3 साल में कहीं ना कहीं सब बच्चे क्या हो गए होंगे, कहीं ना कहीं सेट हो गए। अब जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, कंपटीशन वाले बच्चे 1 करोड़ में से, आप लोगों को पता है कि 1.15 करोड़ फॉर्म आया था, ठीक है, 1.15 करोड़ फॉर्म आया था। जो कंपटीशन वाले बच्चे होंगे 10 लाख से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, 10 लाख में ही कंपटीशन होगा, और जो फाइनल सिलेक्शन होगा लगभग 1 लाख का होगा, 1 लाख का फाइनल सिलेक्शन होगा। अब 10 लाख वाले, 10 लाख जो बच्चे होंगे उसमें फाइनल कंपटीशन होगा, और यही आपको इन्हीं के साथ आपको फाइट करना है। बाकी जो बच्चे होंगे वो 40 से 50 के बीच में, 40 से 50 के बीच में हो सकते हैं बाकी बच्चे रोटेट करें। अब इस एग्जाम में आपको पास होना है तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, अब यहाँ देखिए केवल 6 दिन में एग्जाम हुआ है, ठीक है, केवल 6 दिन का एग्जाम हुआ है और यहाँ 3 रीजन का एग्जाम हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि आपका केवल आपके रीजन में मतलब कंपटीशन है, मतलब जो सिकंदराबाद वाला बच्चा है वो उसको पटना से कोई मतलब नहीं है और वेस्टर्न रीजन से कोई मतलब नहीं है, केवल अपने रीजन से मतलब है, मतलब आपका कंपटीशन अपने रीजन में ही रह गया और केवल 6 दिन में ही आपका जो पेपर का लेवल हुआ होगा उसके अनुसार आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में मुझे जहां तक लगता है कि 2 से 5 नंबर या 2 से 6 नंबर, 6 नंबर से ज्यादा किसी को भी नहीं मिलने वाला, मैक्सिमम 6 नंबर मिलेगा। तो कट ऑफ जाने का कम जाने का एक कारण है कि आपको जो यहाँ पे मतलब नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स मिलेगा वो 2 से लेके 6 नंबर तक के बीच में मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि एनटीपीसी मेंस के एग्जाम में जो लास्ट ईयर हुआ था, 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो आपने देखा था कि 3 दिन में एग्जाम हुआ था तो 4-5 नंबर मिला था। बहुत ज्यादा अगर लेवल इधर उधर हो गया तो 10 नंबर से तो ज्यादा किसी को नहीं मिलेगा, बट मैं मान के चलता हूँ कि 2 से 6 नंबर तक ही मिलेगा, ठीक है, इससे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग का पैटर्न वही है, 8 है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल रीजनिंग में, और मैथ्स का पैटर्न लगभग सेम है, तो पैटर्न कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पेपर का लेवल बहुत ज्यादा अंतर नहीं हो रहा है, हो रहा है तो जीके जीएस में हो सकता है कि अंतर होगा, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका जो जोन का एग्जाम है मुश्किल से 6 दिन में चला है, और 6 दिन में आप भी सोच सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कितना होगा। जैसे रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, तो एनटीपीसी के एग्जाम में क्या हुआ था कि जो एग्जाम चला था 7 पेज में चला था, लगभग आपका मान लीजिए कि 4 महीने में एग्जाम खत्म हुआ एनटीपीसी का, तो 4 महीने अगर एग्जाम चलेगा तो वहां नॉर्मलाइजेशन में बहुत फर्क पड़ जाएगा। एनटीपीसी में 20+ नॉर्मलाइजेशन में मिल गया था, 16-17 तो नॉर्मल नॉर्मलाइजेशन में मिल रहा था, तो एनटीपीसी का बात अलग है, बट यहाँ नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए जो 65 वाला वो 70 तक चला गया, तो एक हिसाब से बोले तो कट ऑफ बहुत कम जाएगा और 70 बहुत कम लोगों का आने वाला है, क्योंकि ये जो पेपर था टाइम टेकिंग पेपर था, जो लास्ट ईयर 90 अटेम्प्ट करके आए थे 2018 में, वो भी इस बार 60-70 के बीच में अटेम्प्ट करके आया, तो अटेम्प्ट बहुत ज्यादा हाई नहीं गया है, बहुत कम लोगों ने 80-90 अटेम्प्ट किया है, मतलब अटेम्प्ट किया है ऐसा नहीं है, बट बहुत कम लोगों ने, जिन्होंने अटेम्प्ट किया है 80-90 उनके 15 क्वेश्चन निश्चित रूप से गलत होंगे, ठीक है, 15 क्वेश्चन या 12 से 15 क्वेश्चन मान के चलिए कि उनके गलत होने वाले हैं, ठीक है। जिनका भी 80+ अटेम्प्ट है, याद रखिएगा 12 क्वेश्चन उनके गलत होंगे, 80+ मैंने बताया 12 क्वेश्चन, ठीक है, 90 अटेम्प्ट किया तो 15 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे, 15 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मान लिया कि आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, राइट हुआ आपका 75 और रॉन्ग हो गया 15 क्वेश्चन, ठीक है, रॉन्ग हो गया 15 क्वेश्चन, इसके हिसाब से आपके नेगेटिव के चले गए 5 नंबर, मतलब टोटल 20 नंबर माइनस हो जाएंगे, ठीक है, मतलब टोटल 5 नंबर मतलब 70 नंबर आ जाएंगे, 90 में से 20 जाएगा तो 70 के आसपास आपका आ जाएगा। तो जिन्होंने 90 अटेम्प्ट किया होगा उनके भी 70, जिन्होंने 70 अटेम्प्ट किया होगा उनका 65 से लेके 68 के बीच में रहेगा, 1 से 2 क्वेश्चन मतलब
तीन से चार क्वेश्चन तो गलत हो ही जाएंगे। तो औसतन जो बच्चे जो टॉपर के स्कोर इस बार देखने को मिलेंगे वो 70, और नॉर्मलाइजेशन बहुत कम होगा, कितना होगा नहीं होगा वो अभी कुछ नहीं बोला जा सकता है, बट नॉर्मलाइजेशन होगा और वो 6 दिन के आधार पे होगा, 6-7 दिन में जो एग्जाम हुआ है उसके आधार पे होगा। और खास बात यह है कंपटीशन कम होने का कि आपका कंपटीशन केवल आपके जोन में है, मतलब इस बार जो कट ऑफ आएगा, हर बार आता है आरआरबी वाइज, बट इस बार जो आपका एग्जाम भी हुआ है वो आरआरबी वाइज हुआ है। तो जब भी आरआरबी वाइज एग्जाम होता है तो कट ऑफ कम जाता है। जैसे इसका अभी हाल ही में एग्जाम्पल आया था रेलवे एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी में क्या हुआ कि आरआरबी वाइज मेंस का एग्जाम हुआ, तो मेंस का जो कट ऑफ आया, देखना देखा आपने कि एएसएम का 55 नंबर गया था तिरुवनंतपुरम का, और 55 से 60% के बीच में ही कट ऑफ गया, मतलब 72, 75, 120 में से सिलेक्शन हो गया था, मतलब 65 तक सेफ था एनटीपीसी में। फाइनल सिलेक्शन के लिए ध्यान दीजिएगा, फाइनल सिलेक्शन के लिए 65 से 70 एनटीपीसी में सेफ है। क्यों? क्योंकि वहां 35,000 वैकेंसी है, वहां कितने हजार वैकेंसी है, 35,000, बट यहाँ पे कितना है, लगभग 3 गुना। यहाँ पे कितना वैकेंसी है, लगभग 3 गुना, और ये 35,000 वाले जो क्रीमी बच्चे हैं वो निकल चुके हैं, क्योंकि वो एनटीपीसी में ज्वाइन करेंगे ना कि ग्रुप डी में ज्वाइन करेंगे। तो कट ऑफ कम जाने का कारण भी होगा ये 35,000 वैकेंसी को पहले निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ कट ऑफ एनटीपीसी के मेन्स के एग्जाम से तो कम जाएगा। खास बात मैंने बता दिया कि जो मेंस का ही एग्जाम हो रहा है, जो एक सीवीटी एग्जाम हो रहा है, वो सिकंदराबाद जैसे अलग अलग रीजन का अलग अलग एग्जाम हो रहा है, ठीक है, और आपका कंपटीशन आप ही के रीजन से। अब बात करते हैं हम एक्सपेक्टेड कटऑफ्स के बारे में, ठीक है। अटेंडेंस 50%, इससे ज्यादा अटेंडेंस नहीं होगा, इससे कम ही होगा, क्योंकि यूपी बिहार में आपको अटेंडेंस थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, बट अदर स्टेट में आप जैसे जाएंगे तो वहां के बच्चे उतने ग्रुप डी के एग्जाम के पीछे पागल नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनके पास काफी ऑप्शन होता है, तो वहां अटेंडेंस आपको कम देखने को मिलेंगे। अब यहाँ देखिए बात है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, अगर आपने ये अगर आपके 60 से लेके 65 के बीच में, ये 65 मान के चलिए ये पटना जोन के बारे में, पटना, और 62 या 62 मान के चलिए, 62 मान के चलिए ये सिकंदराबाद, तो सिकंदराबाद का 62 के आसपास रहेगा, ठीक है, सिकंदराबाद का 62 के आसपास जनरल का, पटना का मान लीजिए 65 के आसपास, और वेस्टर्न रीजन का 60 के आसपास, ये दोनों एक्सचेंज भी हो सकता है, बट इसी के आसपास कट ऑफ होगा, मतलब कुल मिला के जनरल का जो कट ऑफ होगा 60 से 65 के बीच में, ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन अगर हो जाता है तो 2 नंबर 3 नंबर बढ़ा दीजिए इसमें, उतना कट ऑफ जाएगा, ठीक है, जो मैंने कट ऑफ बताया उसमें से 2-3 नंबर बढ़ा दीजिए आप। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के बारे में। अब ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हो सकता है, यहाँ पे मैंने तैयार किया है ईडब्ल्यूएस का 58 से लेके 60 के बीच में, इससे ज्यादा नहीं होगा। मान लीजिए कि पटना रीजन का कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं लिखता हूँ 65 जनरल का हो गया, पटना रीजन का मान लीजिए 60 हो जाएगा, और सिकंदराबाद रीजन का 59 के आसपास हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से मैं फिर से लिखता हूँ, यहाँ मैंने बताया 62, ठीक है, ये 59 जाएगा, और यहाँ पे 60 बताया ना, यहाँ पे 58 जाएगा। वेस्टर्न रीजन का हो सकता है ज्यादा भी जाए, ऐसा नहीं है कि जहाँ कॉम्पिटिशन कम होता है वहां कट ऑफ कम जाता है, बट अभी के सिचुएशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ थोड़ा मुझे लगता है कि सिकंदराबाद साउथ के नाम पे बहुत बच्चे भर देते हैं। गुजरात क्या था, इस बार छिपा हुआ जोन था, क्योंकि मुंबई से 2 रीजन थे, बहुत बच्चों को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ से फॉर्म फिल कर रहे हैं, इसके कारण गुजरात हल्का सा बेनिफिट में अभी फिलहाल दिख रहा है, बट ये उल्टा भी हो सकता है, अभी ये अनुमान है, अनुमान गलत भी हो सकता है, बट मैं अपने हिसाब से आपको बेस्ट नॉलेज अपना शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए ओबीसी का, ओबीसी का जो कट ऑफ जा सकता है, ओबीसी का जो कट ऑफ मैंने तैयार किया है वो 58 से 60, मतलब सेम 58 से 60, ठीक है, लगभग सेम रहेगा। ईडब्ल्यूएस ओबीसी लगभग सेम रहेगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा इन दोनों के कट ऑफ के बीच में। उसके बाद एससी का कट ऑफ देखिएगा, ईडब्ल्यूएस इससे भी नीचे जा सकता है, बट ओबीसी इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, 58 से 60 आ रहा है तीनों रीजन में, तो आप बिल्कुल सेफ है। उसके बाद एससी कैटेगरी, अगर 53+ आपका मार्क्स आ गया तो आप सेफ है, आपको जॉब मिलेगा, ठीक है, और एसटी कैटेगरी अगर आपका 50 नंबर आपका आ गया तो आप बिल्कुल सेफ होंगे। तो ये दोस्तों मेरे हिसाब से नीचे मैंने लिख दिया एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आपको क्या लगता है, आप लोग अपना आपको क्या लगता है इसको शेयर कीजिएगा कमेंट में जरूर, और ये वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज लाइक करके वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा।
इसके अलावा किसी का कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।